ये विरोधी सरकार है। वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। वो काफी चर्चाओं में है और लगातार छात्र जो है इसका आंदोलन कर रहे हैं। वहीं अब भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा जो वो भी सड़कों पर उतरकर आंदोलन कर रही है हेमंत सोरेन की सरकार की नाकामियों को बता रही है कि हेमंत सोरेन सरकार जो है वो परीक्षा लेने में असफल रही है। और किस तरह से युवा मोर्चा के अध्यक्ष रोमित नारायण जी सरकार कह रही है कि बीजेपी के एजेंट जो थे वो एग्जाम में बैठ के ये सब अफवाह फैला रहे हैं। अच्छा एक चीज बताइए मेरे को, अगर सरकार कहती है कि बीजेपी के एजेंट है तो आप घबरा क्यों रहे हैं? अरे स्टूडेंट्स है, उसने भी एग्जाम का फॉर्म भरा, उसने भी एग्जाम दिया और पुख्ता सबूत है कि किस तरीके से सरकार ने सीटों को बेचने का काम किया। यह सरकार, इसका एजेंडा कभी भी युवाओं को नौकरी देना था ही नहीं। इसको चुनाव को बगल में देखकर इसने सीजीएल का तगमा अपने कंधे पर लेने के लिए आनन फानन में सीजीएल की एग्जाम को कंडक्ट कर दिया। आपको पता होना चाहिए वही सीजीएल का एग्जाम है जो कि लगातार यह सरकार कंडक्ट नहीं कर पा रही है। और जिन परीक्षा मतलब जिस ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से ये लोग एग्जाम लेना चाह रहे हैं वो ऑलरेडी ब्लैकलिस्टेड है। तो यह सरकार को तो पहले ये सोचना पड़ेगा कि हम ऐसी एजेंसीज को क्यों काम दे रहे हैं जो ऑलरेडी ब्लैकलिस्टेड है। आप खुद एक कहावत हम लोग बचपन से सुनते हैं, चोर की दाढ़ी में तिंगा। तो यह सरकार इसलिए डरी हुई है क्योंकि उसको पता है यह भ्रष्टाचारी सरकार है, लुटेरी सरकार है और सिर्फ जनता को ठगने वाली सरकार है। तो आज इसीलिए हम लोग सड़कों पर आकर अपना विरोध जता रहे हैं और सिर्फ हम ही नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट छात्र भी इसका विरोध कर रहे हैं। ऐसे शिवम सिंह जी हैं, ये लोग लगातार तैयारी करते हैं पढ़ाई का और उसके बाद पता चलता है कि एग्जाम लीक हो जा रहा है, पेपर लीक हो जा रहा है। तो फिर कैसे एक झारखंड का युवा किस तरीके से सरकार से उम्मीद लगाए? तो हम लोग आज जैसे कार्यालय में छात्र पहुंचे थे प्रशांत जी को बकायदा ज्ञापन सौंपने के लिए, तो वो अपने चेंबर में आए ही नहीं आज। देखिए हमने तो अभी आप लोगों ने पूछा तो वही चीज मैं बता रहा था कि इस सरकार से संपर्क मतलब ऑन द जो प्रतिपक्ष का नेता है, हम लोग आपको दिख रहा गवर्नर के पास जा रहे स्टूडेंट्स ने सरकार के लोगों को भी संपर्क करने का काम किया, लेकिन यह सरकार उनको जवाब ही रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है क्योंकि यह ऑलरेडी जान रही है कि हम गड़बड़ कर चुके हैं, हमने धांधली किया है, हमने सीटों को बेचने का काम किया, हमने सीटों की नीलामी की है, तो किस मुँह से स्टूडेंट्स के बात को लेने का काम करेंगे? आज जैसे जैसे कार्यालय में सारे बच्चे गए उनसे मिलने का काम नहीं करना, यह साफ साफ इंडिकेट करता है कि किस तरीके से यह सरकार सीटों को बेच रही है। तो ये थे रोमित नारायण, भारतीय जनता युवा मोर्चा के महानगर अध्यक्ष। उन्होंने कहा सरकार किस तरह से सीट बेचने का काम कर रही है। मेरे साथ जैसे सीजीएल के छात्र हैं, सरकार कह रही है कि जब परीक्षा नहीं ले रहे थे तब आप लोग सड़क पर आंदोलन करते, परीक्षा ले लिए हैं तब आप लोग अफवाह उड़ा रहे हैं कि पेपर लीक हो गया, जबकि इंटरनेट सेवा को बाधित कर दिया गया, उसके बाद लीक कैसे हुआ? मैं केवल अकेले नहीं बोल रहा हूँ, आप देख रहे हैं यहाँ कितने हजारों की भीड़ है, सब साथ में है तो कोई तो झूठ नहीं बोलेंगे। हेमंत सोरेन ने ठगने का युवाओं को काम किया है, युवाओं के मतलब क्या बोला जाए, भ्रष्टाचारी सरकार रही है और मतलब युवाओं के रोजगार को, युवाओं को कुछ ध्यान ही नहीं देना है, खाली अपना ही रोटी सेकना है। तो हेमंत सोरेन जो है, जैसा कि इन्होंने आरोप लगाया कि हेमंत सोरेन युवाओं को ध्यान नहीं, सिर्फ अपना रोटी सेकना है, हालांकि छात्र जो है जैसे जैसे कार्यालय पहुंचे थे, लेकिन जैसे अध्यक्ष है प्रशांत कुमार, उन्होंने छात्रों से मुलाकात नहीं की और वहां पर धारा 144 जो है, अब जो 163 है वो लगा दिया गया। हालांकि भारतीय जनता युवा मोर्चा जो है पूरे प्रदेश में जो है आज हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ जो है वो विरोध प्रदर्शन कर रही है, हेमंत सोरेन का जो है वो पुतला दहन कर रही है। अपने सहयोगी रितिक के साथ मैं रत्नेश कुमार सिन्हा, लाइव इंडिया, हरपल, रांची।